नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से आई है बहुत बड़ी खबर न्यू अफिलेशन को लेकर के। तो न्यू अफिलेशन को लेकर के पहले डीजीटी तैयार नहीं थी कि इस साल 2022 में हम नया अफिलेशन देंगे, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा भार डीजीटी के ऊपर था। 19-20 में बहुत सारी एप्लीकेशन थी जिसको पूरा नहीं कर पा रही थी, तो पहले डीजीटी पूरा काम करना चाहती थी, इसके बाद ही जो है तो नया अफिलेशन देने वाली थी। लेकिन क्या करे, डीजीटी को लगा कि अगर बहुत ज्यादा जो है तो लोड है, वो लोड 3 स्टेट में ज्यादा लोड था, इसलिए 3 स्टेट के चक्कर में और बाकी पैन इंडिया को क्यों अफिलेशन न दिया जाए। इसलिए डीजीटी के अधिकारियों ने इस चीज का निर्णय लिया कि जहां पे ज्यादा केस है पेंडिंग बची हुई है वहां पे हम गारंटी नहीं देंगे कि 2022 में अफिलेशन देंगे। जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, यहां सबसे ज्यादा पेंडेंसी पड़ी हुई है, यहां जो है तो 2022 के लिए अफिलेशन देने का न्यू कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 19 तारीख से जो है तो 19-2 से 31-3 मार्च तक अपना जो है तो लिंक खोल दिया है, निम्मी पोर्टल पे जाइए और वहां न्यू अफिलेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन 3 स्टेटों में गारंटी नहीं है कि 2022 में ही अफिलेशन मिलेगी, वो अफिलेशन 2023 में जाएगा, लेकिन बाकी जगह जहां कम प्रेंडेंसी है वहां अफिलेशन हो सकती है। तो अफिलेशन को लेकर के ये बड़ी खबर थी। अब रह गई कि अफिलेशन नए के बाद जो पुराने एग्जिस्टिंग आईटीआई है, पुरानी आईटीआई है, जो शिफ्टिंग करना चाहती है या टेट बढ़ाना चाहती है वो क्या करे, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अपना टेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिनकी ग्रेडिंग कम है उसके लिए डीजीटी ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है और कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है कि अगर आपके पास कम ग्रेडिंग है तो ना आप ट्रेड बढ़ा सकते हो ना आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको डीजी को, इसके लिए डायरेक्टर आप जनरल को आपको मेल लिखना होगा और वहां से अनुमति मांगना होगा। अगर वहां से अनुमति मिल गई तो आप ग्रेडिंग बढ़ा सकते हो, सुधार सकते हो, बसरते ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे आप ना तो शिफ्ट कर सकते हो और ना ही आप टेट बढ़ा सकते हो। तो टेट बढ़ाने और उसके लिए आपको डायरेक्टर आप जनरल को श्री अतुल कुमार तिवारी जी जो हैं उनको आपको मेल लिखना पड़ेगा और वहां से अनुमति मांगना पड़ेगा, तभी आप जो है तो टेट बढ़ा सकते हो और YTI शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन ये 3 स्टेट में पेंडेंसी इतनी ज्यादा पड़ी है कि यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां पहले पुराने केस निपटाए जाएंगे इसके बाद नए केस किए जाएंगे। दूसरी चीज बता दूं कि इस बार डीजीटी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब डीजीटी दूसरी बदल गई है, ये नई टीम है, नए लोग हैं, नए तरह से काम कर रहे हैं। सुनील गुप्ता जी पूरा लगे हुए हैं अफिलेशन में और डायरेक्टर आप जनरल श्री अतुल कुमार तिवारी जी लगे हैं कि हम इस बार जो है तो बहुत अच्छी ही आईटीआई वालों के बीच में जो कंसल्टेंट दलाल माफिया होते थे उनकी पूर्ण रूप से छुट्टी कर दिए हैं। अब खुद ही डीजीटी अपना एक वीडियो रिलीज करेगा हाउ टू ओपन न्यू आईटीआई, बहुत जल्दी वो जो है तो लिंक आपको आ जाएगी और वो साइट पे दिखने लगेगी। इसलिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है जो आपको धोखे में डालते हैं। और मैं बता दूं कि आप फर्जी तरीके से धोखे से आईटीआई खोल ही नहीं सकते हो, और अगर खोलोगे तो इस बार ब्लैक लिस्टेड होगे। जैसे कि अभी भी आप पुराने आईटीआई से पूछ लीजिए कि कल एक मेल आया है, वेरिफिकेशन हो रहा है आईटीआई का, हर आईटीआई का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है डीजीटी। जिन्होंने फर्जी तरीके से टेट बढ़वा लिया है, शिफ्टिंग कर लिया है या बिजली का कनेक्शन ले लिया है, सीट बढ़वा लिया है, जितनी भर फर्जीपन किए थे या फर्जी मशीन लगाए थे, फर्जी जगह दिखाए थे, तो अब भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जो उस समय पर डॉक्यूमेंट लगाए थे उसको वेरिफिकेशन करेगा, अगर सही पाए गए तो बल्ले बल्ले, नहीं पाए गए तो शटर बंद हो जाएगा यार। इसलिए मैं पहले ही चेताया था आपको वीडियो में कि डीजीटी बदल गई है, आप लोग कुछ
जो है तो दलाल माफिया कंसल्टेंट के चक्कर में अपनी आईटीआई को तबाह करने में लगे हो, अपने बिजनेस को तबाह करने में लगे हो, आपका मिशन विजन सब तबाह हो रहा है। कुछ आदमियों को आप जो है तो सपोर्ट दे रहे थे, जब मैं उनका विरोध कर रहा था तो आप लोग मेरा विरोध कर रहे थे, जबकि मैं बता रहा था कि सुनिए ये होने वाला है, मैं पहले जो चीजें बता देता हूं वही चीजें सही होती है, क्योंकि मैं प्रूफ और सत्य बेस बताता हूं, डॉक्यूमेंटेशन की तरह से मैं बताता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि अब फर्जीपन करना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ा हथियार डीजी ने, जो डायरेक्टर आप जनरल हैं अतुल कुमार जी, वो तीन तीन बार एक दिन में मीटिंग कर रहे हैं और लड़कों के हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में बहुत बड़ा हथियार दे दिए हैं हेल्प डेस्क का, और सीधे वो देखते हैं कि आज कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी शिकायतें ठीक कर दी गई हैं। अगर आप लड़कों से पैसा ले रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आई है कि आप प्रैक्टिकल के नाम पे, पास होने के नाम पे पैसा ले रहे हैं, आपके ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, ये आप लिख करके ले लीजिए, भूल जाइए, अगली बार से स्टूडेंट से आप पैसा नहीं मांग सकते हो, डायरेक्ट स्टूडेंट की सुनवाई हो रही है अब, और डायरेक्ट स्टूडेंट शिकायत कर रहा है। डीजी ने स्वयं बोला है कि हर लड़के की मैं सुनूंगा, अभी 28 तारीख तक रिजल्ट जितना आ गया तो आ गया, अगर किसी का बचता है, और जिस स्टेट ने, जिस जेडी ने, जिस अधिकारी ने, जिस नोडल ने बच्चों का डेटा नहीं भेजा है, या आईटीआई वाले की गलती है, कार्रवाई होगी, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, मैं पहले चेता दे रहा हूं। और मैं जो कहता हूं ये देख लीजिए, वेरिफिकेशन का भी लेटर आ गया है, आ गया वेरिफिक, हर स्टेट में आ गया है कि आप बताइए, और जो सही है वो सही चलाएंगे, और जो फर्जी है मैं बोल रहा हूं कि आप लोग खुद उस आईटीआई की शिकायत करो भैया, नहीं तो ये आईटीआई वाले आपको ऐसे ही करेंगे। आप देखिए, उन फर्जी आईटीआई के चक्कर में आप अपने आईटीआई को जो है तो जोन पे ले आ दिए हो, डेंजर जोन पे ले आ दिए हो, आप उनका सपोर्ट कर करके तो भोगो। आप जब आपको मैं समझाता हूं तो आप समझते नहीं हो, आप उनकी बातें मानते हो, वो डीजी में उनके जो है तो ससुराल के लोग बैठे हैं, वो काम करवा लेंगे, चलो पैसा लेकर के डीजी में चलते हैं, काम हो जाएगा, तो आप घूमते रहो, अब करवा लेना काम, अब करवा लेना काम। मैं बोल रहा हूं कि डीजी की टीम जो है तो चेंज हो गई है भाई साहब, अभी तो और बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं, नए एफिलिएशन के बाद मैं आपको बता दूंगा बायोमेट्रिक मशीन लगने वाली है, अब लड़के को प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, आगे चल करके ये पेपर भी कम कर देंगे। तो मैं समझा रहा हूं, समझिए। और एक चीज मैंने क्या बताया अभी आपको, अफिलेशन को, अफिलेशन के लेकर के निम्मी के पोर्टल पे जाइए, वहां पे हेल्पलाइन भी दे दिए हैं, मोबाइल नंबर भी है, हेल्पलाइन भी है, ये हेल्पलाइन आप देख लीजिए, ये वहां पे है निम्मी पोर्टल पे, जो नए लोग हैं और नए लोग जो आईटीआई खोल रहे हो उनको मैं बोल रहा हूं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है आपको, आप हमारे आईटीआई टॉक्सो को देखते रहो, हमसे बात करो, मैं भी आपको फ्री ऑफ कास्ट मदद करता हूं, फ्री ऑफ कास्ट मदद करूंगा। डीजीटी खुद जो है तो एक वीडियो भी डालेगी हाउ टू ओपन आईटीआई, सबसे पहले आपको एनओसी लेना लेना है, चार्टेड होना ही होना है, 1.07 एकड़ जमीन होने होना है। और दूसरी बात बता दूं कि अतुल कुमार जी ने एक और लेटर डाला है ये 2 फरवरी को कि अब आईटीआई में सीआईटीएस वालों को लेना मस्ट है, ये लेटर भी मैं दे रहा हूं, ये लेटर देख लीजिएगा, ये सीआईटीएस वालों को लेना मस्ट है आईटीआई में, तो आप लोगों को मैं ये न्यूज बता दे रहा हूं। दूसरा, जो पुराने आईटीआई वाले हो, अगर शिफ्ट कराना चाहते हो या टेट बढ़वाना चाहते हो तो आप अप्लाई करो, लेकिन ये यूपी बिहार राजस्थान के जो जहां पे पेंडेंसी ज्यादा है वहां के लोग चमत्कार की गुंजाइश नहीं करेंगे, कर दीजिए, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बाकी के जगह पे हो जाएगा। लेकिन ग्रेडिंग कम है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी ग्रेडिंग कम है तो आप डीजी को मेल करें, सीधे सीधे मैं डीजी का मेल दे दे रहा हूं आपको, ये देखिए डीजी का मेल भी मैं आपको फ्लैश कर दे रहा हूं, आप इनको मेल करिए श्री अतुल कुमार जी तिवारी जी को, और उनसे चाहे तो फोन नंबर पे भी बात कर लें, डीजी की वेबसाइट पे है, ठीक है, तो आप बात कर लें और उनसे ग्रेडिंग के बारे में पूछ लें, क्योंकि ग्रेडिंग के बारे में डीजीटी ने कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया, और वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तीसरा जो लफड़ा आया है जिसपे एक ही लेटर पे आप लोगों की नींद हराम हो गई है,
जो मैं पहले से बोल रहा था, तब आप लोग कह रहे थे कि वीरेश गलत बोल रहा है, अब वो आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो मैं बता दूं कि उस समय पर जब अपलेशन लिए थे ना भाई साहब, तो वो वाला लेटर दीजिए, काहे काहे का ट्रेड था और कितनी यूनिट बढ़ाए थे, क्या क्या मशीन लगाए थे, क्या क्या सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा जिसपे उसको शक है और जिसपे उसकी शिकायत भी गई है। और एक बता दूं, आपके आईटीआई वाला बगल वाला ही शिकायत कर रहा है। यही है, आप लोग जो एक नहीं होते हो ना, तो यही परिणाम भोगोगे। बंद करोगे आईटीआई आप, और अच्छे लोग आएंगे आईटीआई में, और आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। दिखाना 2013-14 की दिखाना, जो फर्जी बनवा बनवा करके वेबसाइट पे डाले थे, जो QCI असेसरों को पैसा दे दे करके आपने किया था। अब कर लेना है आप लोग, जब समझाता हूं मैं तो आप समझते नहीं हो, तब तो मैं सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता हूं। और ये आईटीआई टॉक शो है, डरता नहीं है, निष्पक्षता के साथ में पत्रकारिता करता हूं और सही चीज बताता हूं मैं आईटीआई अवेयरनेस के लिए। आपको बुरा लगता है तो लगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये आपको बहुत जल्दी, कल ही साथ जेडी ने, हर जेडी ने कल ही दिया है कि लेटर आप दीजिए, नहीं दोगे तो फिर हो गया, अगली बार एडमिशन जुलाई में गए, बोरिया बस्ता बांध लो, आईटीआई बंद कर दो आप लोग, और जो अच्छे आईटीआई हैं उनको चलने दीजिए, वही चलाएंगे और वही आगे चलेगी, और आईटीआई का मार्केट नहीं बंद होने वाला है। डीजीटी काम कर रही है, मैं बता दूं, एक देश एक नेशन एक एग्जाम एक ड्रेस एक स्कॉलरशिप पे काम कर रही है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। हंसी में मत लीजिएगा साहब, ये आईटीआई टॉक शो है, ये जो न्यूज खोज करके ले आता है ना, बहुत तथ्य बेस लाता है। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। और स्टूडेंट, डीजी ने स्वयं आपको हथियार दिया है और बोला है, आज भी डीजी से मेरी बात हुई है 15 मिनट, डीजी के जो डायरेक्टर आप जनरल हैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी, उन्होंने साफ बोला है कि मैं स्टूडेंट की सुनूंगा, बाकी की किसी की भी नहीं सुनूंगा। 28 तारीख तक स्टूडेंट को कहिए कि वेट करें, अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर से मैं उनके ऊपर कार्रवाई करके रिजल्ट ओपन करवाऊंगा। अभी तक उन्होंने सबको मेल करके डेटा मंगवा लिया है, 25 तारीख तक सबकी रिजल्ट घोषित कर देंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट घोषित हो जाएगा, और रोज हो रहा है अपडेट, डीजी आपकी बात सुन रहे हैं डायरेक्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मेल जरूर करें, और मेल करने के बाद मेरे को फोटो भेजें ताकि मैं डीजी के पास भेज सकूं कि सर ये देखिए लड़के ने मेल किया, इसका अभी तक क्यों नहीं आया है। तो डीजी चेंज हो गए, डीजी आपके साथ में है तो फिर आप मत डरिए। और हाँ, जो आईटीआई वाला पैसा ले रहा है, डीजी ने साफ बोला है कि वीरेश जी हमारे स्टूडेंट को बोलिए, उन्होंने साफ बोला है कि हमारे घर के बच्चे हैं ये, डीजी ने साफ बोला कि अगर मेरे बच्चे के साथ होता तो हमारे साथ क्या होता, अपने बच्चे मान रहे, कह रहे कि हमारे बच्चे हैं, जो हुआ भूल जाए, हमारा परिवार है, हम संभाल लेंगे। और रिजल्ट के लिए जो बच्चा, जो आईटीआई वाला अगर पैसा मांग रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपको भगवा रहा है, आपको गाली दे रहा है, उसकी शिकायत करिए आप, तुरंत सुनवाई होगी। ये आईटीआई का जो है तो फ्रेम जो है तो चेंज हो गया, डीजीटी सच में अब स्किल इंडिया बन गई है और देश को आगे ले जाने के लिए बना रही है। तो मैं सुनील गुप्ता जी को थैंक यू बोलूंगा, और डीजी के जो अफसर हैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आपको भी धन्यवाद बोलूंगा, अपीलेशन को लेकर के भी और एग्जाम को लेकर के। आर्यन जी आप भी जो काम कर रहे हैं ना, बेहतरीन काम कर रहे हैं। संध्या मैडम आप भी जो काम कर रही हैं, आपके लिए भी बेहतरीन मैडम। जयप्रकाशन जी आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आप नंबर ब्लॉक कर दिए हो लेकिन दुश्मनी नहीं, आप स्टूडेंट को काम करिए और करते रहिए। जयवर्धन जी आप भी काम करें, अमित जी आप भी काम करें, जितने लोग काम कर रहे हैं डीजीटी में नए अफसर, उन सबको बधाई, और इन बच्चों के तरफ से आपको बहुत सारा प्यार सम्मान, और आपको बहुत सारी ये दुआएं दे रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। और पुराने आईटीआई वाले, मेरी बात को बड़े ध्यान से लेना, गंभीरता से लेना, जो मैं कह रहा हूं इशारे इशारों में समझ जाना, ये आईटीआई टॉक शो है। और आप लोग कोरोना के महामारी की बीमारी में थोड़ी सी दूरी बनाइएगा, मास्क लगाइएगा, वैक्सीन लगवाइएगा। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं आप अपने मत का प्रयोग करिएगा, किसी भी पार्टी को दीजिएगा जो अच्छा लगे,
पानी की बचत करिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बूढ़ों का सम्मान करिएगा और हो सके तो गरीबों को कपड़ा दान दीजिएगा। ये आपका ITI टॉक शो है, ये कैसा आपका ITI टॉक शो चल रहा है आप हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा और सोचिए कि हर बच्चे तक, हर ITI के डायरेक्टर तक और हर इंस्ट्रक्टर तक ये बात पहुँचे। आज तक के लिए इतना ही, ये आपका ITI टॉक शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।